वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VSDL98। तो आज का ये वीडियो होने वाला है स्टाइलिश मरघाट कटिंग के ऊपर। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर भाई आप एक स्टाइलिश मरघाट मरघाट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने एक उसको ध्यान में रखे हुए एक बनाया, बट अभी कैसे कि मानसून है, बारिश का टाइम है, तो इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा छोटा कट नहीं किया, एक नॉर्मल वे में रखा। आप भी आपका ओन डिज़ाइन करके कट कर सकते हो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसके लिए। तो ध्यान में रखते हुए एक कटिंग किया जो मेरे को सूटेबल लगा। जो मेरा पहले वाला ओरिजिनल मरघाट था वही स्टाइल में, मतलब सिर्फ छोटा, पहले वाला कैसा बड़ा था पर ये छोटा करके मैंने इसको रखा, जस्ट बिकॉज कि मानसून चल रहा है। तो मानसून में जो कीचड़ बिछड़ आपने आगे फ्रंट ऑफ फेस पे, हेलमेट पे या अपने फेयरिंग पे ना उड़े, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा छोटा कट नहीं किया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको शुरू करते कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो गाइस पहले अपना एक्सो ब्लेड, ये मैंने छोटा, मेरे पास छोटा पड़ा था तो छोटा इसका ब्लेड भी मैंने यूज़ किया था। तो एक्सो ब्लेड जो कटिंग होगा, और जो एकदम रफ फेस, एकदम रफ सरफेस होगा तो उसको एकदम प्लेन करने के लिए सैंड पेपर, आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा बड़ा वाला ले लिया सैंड पेपर, जस्ट बिकॉज कि वो फटाफट क्लीन हो सके। उसके बाद पेंसिल और स्केल, जस्ट बिकॉज कि वो जो अपने को कटिंग करना है, अंदाजे तो कटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उसको पहले मार्किंग किया, आउटलाइन किया, उसके बाद मैंने कट किया। और एक ग्लव्स, क्योंकि अपन जो काम कर रहे हो तो फाइबर है, फाइबर को काटने का थोड़ा उसका जो एजेस होते हैं वो एकदम शार्प हो जाते हैं, तो हाथ कटने का चांसेस है, इसलिए मैंने ग्लव्स यूज़ करके उसको कटा। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि मैंने ग्लव्स यूज़ किया हो उसको। तो ये सब इक्विपमेंट है जो यूज़ होने वाले हैं। तो चलो अपने मेन वीडियो पर चलते हैं अभी। तो गाइस ये गाड़ी, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से हल्का लाइटली लाइटली ड्रॉ कर दिया हो, तो अभी अपने को पूरा प्रॉपरली डार्क ड्रॉ करना है, तो आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सिर्फ वन साइड ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली ड्रॉ कर चुका है जो मुझे जो स्टाइल में चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लेफ्ट साइड का कट किया, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो मैं वो रख के उसके ऊपर से आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, जस्ट बिकॉज कि ये प्रॉपरली एक लेवल में आ जाए ना, ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए मैंने वो लेफ्ट पार्ट काट के राइट साइड में लेके उसको मार्क करके प्रॉपरली मार्क करूँगा, तो वो एक ऐसे एक लेवल में आ जाएगा, गड़बड़ भी नहीं होगा ना ही कुछ ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए मैंने वो पार्ट्स रखा। वीडियो देख चुका होगा तो कि मैंने कैसे कटिंग किया हो, तो आप भी एकदम सेफली कट करना, ज़्यादा कुछ एकदम घाई गड़बड़ी मत करना, बिकॉज ऑफ कि हाथ कटने का चांसेस हो सकते हैं उसमें, क्योंकि जो फाइबर है वो अपने जब कट करते हैं तो उसका एजेस बहुत शार्प हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना, प्लीज़ लाइक कर देना, और आप ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को क्लिक करके ही जाना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड माय चैनल, बाय गाइज़।